हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभ्रांशु शेखर एंड आई एम ए एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक ईटीएफ लवर हो या फिर आप ईटीएफ इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो में ये 5 ईटीएफ तो होनी ही चाहिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये 5 ईटीएफ, क्योंकि ये जो ईटीएफ है ना, नॉट ओनली ये रिटर्न के बारे में तो अच्छा है ही, बट ऑल्सो इनके ट्रांजेक्शन भी बहुत ही अच्छे हैं। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में एक दिक्कत क्या है कि ये तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसका मतलब है कि आप एक्सचेंज में बाय एंड सेल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड जैसा आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ पैसा आप डिपॉजिट करोगे, फिर वो एएमसी के पास जाएगा, फिर डे एंड में आपको ये यूनिट अलॉटमेंट होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लाइव ट्रेडिंग यानी लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा सा आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ईटीएफ ट्रेड होती है, अगर ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं होती है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लोगे बट सेल करने के टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे चीज देख के मैंने, यानी रिटर्न एज वेल एज उसके साथ इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यानी कितने ज्यादा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है डे बाई डे, ये सारे चीज देख के मैंने ये 5 ईटीएफ को यहाँ पे आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है। जो अगर आप आज के डेट में मार्केट में देखते हो तो आज मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पीक से 10-12% गिर चुका है। तो अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हो तो ये बहुत अच्छे टाइम होती है ऐसे इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दिनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा वीडियो में कि यहाँ पे कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले फास्ट ETF मैंने क्या लिया है। बट ETF में इन्वेस्टिंग करने से पहले ETF के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा गूगल में, ETF NSE आप सर्च करो, फिर आपको जो फास्ट लिस्ट में जो फास्ट लिंक आएगा उससे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वो वाली साइट ओपन कर दिया, यहाँ पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वाली वेबसाइट में सारे ETF यहाँ पे लिस्टेड है। तो फास्ट जो ETF के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दैट इज निफ्टी बीज। यानी ये जो निफ्टी बीज है ना, अगर आप इसे सर्च करोगे निफ्टी बीज तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे मिल जाएगी, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाली यहाँ पे विंडो ओपन हो ही जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 51.21 करोड़ यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेडेड वैल्यू कितना है, 135 करोड़, यानी जो यहाँ पे बेचा गया उसका टोटल अमाउंट का जो पैसा है कितना करोड़ में यहाँ पे दिख रहा है। टोटल मार्केट कैप कितना, 34,328 करोड़। भाई इसके बारे में बोलना तो बेकार है, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिटर्न तो मेन चीज है, यहाँ पर रिटर्न देखते हैं ना क्या दिया है। तो ये सिंपली होती क्या है, जो निफ्टी बीज है ना, ये निपोन इंडिया मैनेज करती है, ये नॉर्मल एक इंडेक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निपोन इंडिया ETF निफ्टी 50 नीचे, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC, एक्सिस जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, ये 50 कंपनीज यहाँ पे है। और यहाँ पे उतना ही यहाँ पे शेयर में प्रोपोर्शनली इंडेक्स में, और इंडेक्स जैसा यानी आपको रिटर्न देगा, ये सिमिलरली ये ETF आपको रिटर्न देगा। रिटर्न देखने के लिए सीधा चलते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड व्यू वेबसाइट में चले जाइए, पूरा फ्री वेबसाइट है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे निफ्टी बीज को ओपन कर लिया, यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट 10-15 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल में कैलकुलेट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये ग्राफ ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं ये रूलर को ले लेता हूँ और यहाँ पे डाटा ले लेते हैं, 2010 से डाटा ले लेते हैं, सिंपली क्लिक करके जाते हैं और यहाँ पे देखो टॉप में देख रहे हो ना, ग्रीन में ऊपर गया, फिर नीचे आके रेड में यहाँ पे अभी बंद हो गया। यानी आज जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज की ये वैल्यू दिख रहा है। तो ये स्टार्टिंग कितना हुआ था, 49, और अभी कितना है, 259। तो इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये लास्ट 10 इयर्स में, अगर मैं 2010 से ले रहा हूँ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 साल हो गया, 15 इयर्स हो गया। तो रिटर्न क्या दिया है, कितना दिया है फाइनल, आप पहले सोचो कि ये वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो 183 बार्स लिख रहा है, यानी ट्रेडिंग बार लिख रहा है। तो 183 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कितने साल यहाँ पे लेना है। तो बट 49 को यहाँ पे लेके चलते हैं फिनेंशियल टाइम वैल्यू कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम पुट करते हैं 49। तो यहाँ पे आप सिंपली जाओ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -49 कर लेता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू डाटा पास्ट के दिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में दिख रहे हैं। अब फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू देखने के लिए यहाँ पे जो आज की वैल्यू है ना, 259 यहाँ पे हम एक मोटा मोटा वैल्यू ले लेते हैं, 259 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 259 लिखता हूँ और कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, तो यहाँ पे 15 ईयर्स में एंट्री कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अगर रेट में कैलकुलेट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखो 11.74%, यानी ऑलमोस्ट 12% रिटर्न ये दिया है। लार्ज कैप सेगमेंट से इंडेक्स जो रिटर्न देगा, ये ETF में भी वही रिटर्न मिलेगा।
तो भाई यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा नहीं है एंड आप आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वॉल्यूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ट्रेडिंग वैल्यू ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी प्रॉब्लम नहीं है और 11-12% आपको रिटर्न मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये इन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सेफली प्ले करना चाहते हैं, तो ये ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंपली आप इंडिया की टॉप कंपनी इंडेक्स यानी निफ्टी 50 इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिएगा कितना परसेंट, यानी लेट से आप एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो, 50% आप लार्ज कैप सेगमेंट में डाल दो, बाकी 5,000 50% बाकी सेगमेंट में यानी बाकी ETF में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट ETF के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया लार्ज कैप की सेगमेंट में। नेक्स्ट जो ETF में बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बोलोगे शायद ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में बताएंगे या फिर मिड कैप के बारे में बताएंगे, नहीं भाई मैं आपको और एक ETF के बारे में बताऊंगा। सेकेंड ETF में यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंटम ETF, मोमेंटम यानी मार्केट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी मोमेंटम को जो फॉलो कर रहा है स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स को लेके यहाँ पे ETF यानी इंडेक्स बना गया है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो ये वाली मैंने ओपन किया है, ICICI प्रूडेंशियल इसे मैनेज करता है, बट ये जो मोमेंटम 30 ETF मेरे स्क्रीन में देख रहे हो ना, ETF तो नया है बट ये इंडेक्स काफी पुराना है, तो इंडेक्स का रिटर्न को यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे जब मैं क्लिक किया, आप देख सकते हो इसका ट्रेडिंग वैल्यू एंड वॉल्यूम भी देखेंगे, तो ये पर्टिकुलरली ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 230 मोमेंटम ETF की अगर आप डिटेल्स देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 14.8343 करोड़ आज के डेट में, नहीं एवरेज मान के चलो एवरीडे इतना ही ट्रांजेक्शन होती है। ट्रेड वैल्यू कितना है 4.85 करोड़, मार्केट कैप कितना है 348 करोड़, बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी का तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है होने वाला है। अब रिटर्न क्या दे रहा है ये भी हम देखते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में कितना दिखाया 11.12%, यानी 12% आसपास यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, बट ये वाली में कितना रिटर्न दिख रहा है, तो इसे ट्रैक करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे अगेन ट्रेड वैल्यू साइट में और यहाँ पे इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे देखो लास्ट 2021 से ये इंडेक्स दिख रहा है, ये इंडेक्स काफी ओल्ड है, काफी ओल्ड नहीं 3-4 साल ही हुआ है, बट यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी फॉलो होता है नॉर्मली ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, और फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इंडिया में नया है बट US मार्केट देखोगे तो काफी ओल्ड है, और ये बहुत ही अच्छे काम करता है, मार्केट अगर यहाँ से रिकवर होता है तो ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इसी रोलर को लेकर रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, और यानी तो गलत जगह में क्लिक कर दिया, तो इसे दोबारा क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर आप लेते हैं इस वैल्यू से लेकर यहाँ पे मार्केट जब नीचे गिरा है तो ये वैल्यू लेके चलते हैं, स्टार्टिंग क्या दिखा रहा है 11,950, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे 11,950 यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू यानी पास्ट का जो रिटर्न रेट था या इस रेट को आज के रेट में माइनस में देना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट जो आज के रेट में वैल्यू किया है 32,921, अगर आप इस रेट को कैलकुलेट करोगे एंड यहाँ पे पीरियड देते हो 4 ईयर, क्योंकि ये 2021 में ये जो ETF है इंडेक्स है स्टार्टिंग हुआ था, तो 2021 से 2024 लास्ट तक अगर देखोगे तो 4 साल यानी 4 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे एनुअली तो यहाँ पर रेट करोगे तो रिटर्न देखो 28.83% रिटर्न दिया है, सोच सकते हो कहाँ 12% और कहाँ यहाँ पे 28%, तो सोचो अगर आप यहाँ पे थोड़े पैसा यहाँ पे इस ETF में लगाओगे तो लंबे समय में 5-10 साल में आपका रिटर्न काफी अच्छे बनने वाला है। बाय द वे दिस इज नॉट माय रिकमेंडेड, नॉट माय एडवाइस, मैं कोई सेबी एडवाइजर हूँ नहीं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिएगा, अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिएगा, अगर आप सोचते हो कि मैं आपके लिए प्लानिंग बनाऊं, मेरे थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम के ऊपर या फिर मेरे ऑफिशियल ईमेल अकाउंट में मेल कर सकते हैं, मैं आपको या फिर मेरी टीम आपको कॉल करेंगे, डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे, फिर डिटेल्स में प्लानिंग करके आपको बताएंगे कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है। सो फ्रेंड्स ये तो आपको रिटर्न देख ले यहाँ पे, बट इस ETF के जो मैं कहा कि ये फैक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप्ड है, तो यहाँ पे रिटर्न तो अच्छा है ही प्लस रिस्क भी ज्यादा है, तो यहाँ पे आप उतना पैसा लगाइएगा जितना आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो एंड लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो काफी अच्छा रिटर्न बनने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे नंबर 3 ETF के बारे में बताएं, इससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में हर हफ्ते यानी एवरी वीक में लेके आता हूँ, और बिलीव मी अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो या फिर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको फिनेंशियल नॉलेज तो काफी अच्छे मिलेगी, एज वेल एज जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स है यानी स्मॉल कैसेस म्यूचुअल फंड्स ETF के बारे में आपको ज्यादा अच्छा
नॉलेज मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों के साथ, बाकी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए कि वेदर ये जो स्टॉक्स, ये जो म्यूचुअल फंड या फिर ये जो ETF के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए या फिर आपके फ्रेंड के लिए कितना सही हो सकता है। So friends, number 3 ETF मैंने लिया है CPSE ETF। So friends, ये भी managed by Nippon India। इसे भी देखने के लिए मैं simply NSE side में गया और ये डाटा genuine डाटा है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 17.66 crore। ट्रेडेड वैल्यू कितना दिख रहा है, 15.61। यहाँ पे जो ट्रेडेड वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये लाख में, मैं करोड़ बार बार बोल रहा हूँ, ये लाख यानी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, पर ट्रेडेड वॉल्यूम देखो कितना, वैल्यू कितना देखो, यहाँ पे 15.61 crore अमाउंट, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है। मार्केट कैप देखो 38,201 crore है, तो यहाँ पे तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट इसे रिटर्न देखेंगे कैसे, तो इसे रिटर्न देखने के लिए आप चलेंगे ट्रेड व्यू साइड में और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सिंपली ऑल में क्लिक किया और ये डाटा देखो 2014 से मैंने डाटा लिया और यहाँ पे देख रहे हो कितना, यहाँ पे जो ETF की रेट था 19.55 और आज के डेट में देख रहे हो 88.39। ये जो रेड कलर की बार आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टॉप से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे गिर चुका है। तो सोचो अगर ये ड्रॉडाउन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और मार्केट जब फिर से पीक में जाएगी तो आपकी रिटर्न वैल्यू कितना पहुंचेगा, राइट? नॉर्मली ETF या म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मार्केट जितना खराब होगा ना आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप सस्ते रेट में खरीदोगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपका पैसा ज्यादा अच्छा बनेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ लोग क्यों डरते हैं ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पे भर भर के इन्वेस्टमेंट करो भाई, पैसा बनेगा, क्योंकि आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट 5 to 10 years, 15 years इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो लंबे समय में ना इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो नहीं सकता। चलिए इसका रिटर्न पहले देख लेते हैं, फिर बाद में भाषणबाजी करते हैं। तो रिटर्न देखने के लिए चले देखते हैं, तो 19.55 यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 88.39, क्योंकि ये जो डाटा आपको दिखा रहा हूँ 88.39 आज के रेट में वैल्यू है। अगर यहाँ पे 10 इयर्स की डाटा लेते हैं, यहाँ पे एनुअलाइज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 2014 से 2024 तक तो यहाँ पे 10 इयर्स होती है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, रेड में अगर क्लिक करता हूँ तो आपको देखना मिलेगा यहाँ पे 16.286 रिटर्न। भाई 16% रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी से 12% भी रिटर्न कमा रहे हो ना, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। रिटर्न कितना मिलता है नॉर्मली, अगर सच बताऊं तो GDP प्लस इन्फ्लेशन, नॉर्मली मेरा मानना है अगर आप 12% रिटर्न कमा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में मास्टरी है आपके पास। अगर ये 16% दे रहा है और आगे जाके ये अगर 14-15% भी रिटर्न देता है ना, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लान कीजिएगा कितना परसेंट आप ऐसे ETF ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, क्योंकि ये जो CPSE है ना, ये कैपिटल गुड ये सब एक्सपेंडिचर में यानी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो 3 ETF में जैसे बताया, निफ्टी 50, निफ्टी 230, मोमेंटम ETF प्लस CPSE, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ETFs है, यहाँ पे लोग भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा खुद का रिसर्च कीजिएगा, फिर यहाँ पे ऐसे ETF पिक कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, नंबर 4 में मैंने लिया है गोल्ड। देखो फ्रेंड, गोल्ड ना इंडिया में तो बहुत डिमांड है, बट गोल्ड जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो यहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस, या फिर ज्वेलरी छोड़ के अगर गोल्ड बार भी खरीदते हो ना, यानी जो गोल्ड बिस्किट्स हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, आप तानिस्क चले जाओ, दूसरे ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, तो वहां पे भी आपको ये मेकिंग चार्जेस देनी होगी। एंड फ्रेंड, जब आप फिजिकल गोल्ड बेचोगे तो वहां पे भी आपको डिस्काउंटेड रेट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में देखेगा कि भाई 22 कैरेट सोने का दाम है आज 71,000 है, यानी 24 कैरेट सोने का दाम है 75,000 है, जब आपसे लेंगे ना तो 75,000 में नहीं लेंगे। ये दिक्कत है फिजिकल गोल्ड में। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने शौक से रख सकते हो, बट मुझे ETF इन्वेस्टमेंट गोल्ड का बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वाली ETF की अगर आप डाटा देखोगे, ये भी मैनेज बाय निपोन इंडिया, इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है काफी कम है, आप डिटेल्स में देख सकते हो। तो और ये जो डाटा दिख रहा है, ट्रेडेड वैल्यूम दिख रहा है, ट्रेडेड वॉल्यूम दिख रहा है 160 लाख, इतने नंबर ऑफ यूनिट आज यहाँ पे बेचा गया है, सेल्स हुआ है। एंड ट्रेड वैल्यू दिख रहा है 99 crore, 100 crore जैसा है भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन देखो, कि मार्केट कैप देखो 14,000 crore से भी ज्यादा यहाँ पे मार्केट कैप वैल्यूएशन है। तो इसका रिटर्न हम देखते हैं, तो चलिए रिटर्न देखने के लिए अगेन यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया, रिकनेक्ट कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे देखो, मैंने ऑल में कैलकुलेट किया, मैं सिंपल यहाँ पे 2014 से मैं डाटा लेता हूँ, या फिर 2010 से भी आप ले सकते हो, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना रिटर्न दिया। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ 2010 डाटा में क्लिक किया और यहाँ से लेकर मैं आप चला जाता हूँ, जो रेड कलर की लास्ट दिख रहा है यहाँ पे 62.09, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू कितना था, 15.93। चलिए टाइम वैल्यू कैलकुलेट में चलती है, यहाँ पे देखो 15.93, यहाँ पे देखते हैं 15.93, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या है यानी आज के डेट में वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रहा है 62.09। चलिए 62
09 देखते हैं, एंड यहाँ पे कितने साल का डाटा हम देख रहे हैं, 2010 से, यानी कितने बार आप समझ लो, 181 बार, 181 डिवाइड बाई 12 कर दो, कितना हो गया आपका 15 साल। तो यहाँ पे आप 15 लिख दो, सिंपली 15 आप कैलकुलेट करो 15, एंड यहाँ पे रेट में कैलकुलेट करो 9.493%, यानी ऑलमोस्ट 9 to 10% यहाँ पे रिटर्न दे रहा है गोल्ड। क्योंकि देखो गोल्ड ना इससे सिक्योर चीज और कुछ हो नहीं सकता, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दुनिया डूब जाए, गोल्ड लिमिटेड सप्लाई है। तो यहाँ पे गोल्ड हेज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप 10% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, 2% यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। सिंपली अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी एज के हिसाब से एटलीस्ट 5 to 10% अगर आप इन्वेस्ट करते हो गोल्ड, तो आपको ये सिक्योरिटी तो देता ही है, एज वेल एज रिटर्न भी अच्छा देता है। तो ये आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ETF बहुत ही अच्छा हुए है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगेन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब मैं बोलता हूँ कि आंख बंद करके इन्वेस्ट करो, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा प्लानिंग करो, कितना परसेंट होनी चाहिए, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करोगे, स्मार्टली प्ले करोगे, तो आपके रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा बनेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 5 ETF, ये थोड़ा बोनस की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये वाली ETF थोड़ा सा न्यू ETF है, बट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा इंटरनेशनल ETF है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट आप जितना भी कहो, US मार्केट से तो काफी छोटा है, और US मार्केट में अगर आप थोड़ा सा पैसा एक्सपोज कर सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो, बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिफिटी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वाली जो ETF है ना, मिराई एसेट की फैंग प्लस ETF, NYSE फैंग प्लस ETF, ये थोड़ा सा न्यू नेम है बट बहुत ही अच्छा है। अगर आप NSY साइट में जाके देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखोगे आज के डेट में 10.96 लाख से, ट्रेडेड वैल्यू कितना है 12 करोड़ यहाँ पे देख सकते हो, 12 करोड़, एंड मार्केट कैप देखो 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है। काफी अच्छे यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, लिक्विडिटी भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर है, लोगों को इतना पता नहीं है, बट ये बिलीव मी बहुत ही अच्छा ETF है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट ट्राई कर सकते हो, थोड़ा पैसा यहाँ पे अगर एक्सपोजर लेते हो तो आपकी पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई हो सकता है। बट ये वाली ETF की डेटा अगर देखोगे ना, तो इस डेटा को जानने से पहले हम देखेंगे ये ETF के अंदर है क्या, ये तो समझ में आता था कि गोल्ड ETF में गोल्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम ETF में टॉप 30 कंपनीज है जो मोमेंटम को फॉलो करता है, निफ्टी 50 में तो टॉप 50 कंपनीज है, बट ये वाली ETF में है क्या, इसे जानने के लिए मॉर्निंग स्टार साइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसे पोर्टफोलियो में क्या है। आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है ना, जो NVIDIA, क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, जो गूगल आप करते हो ना google.com, यानी मैं भी गूगल करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े कंपनी है, मेटा, फेसबुक, यहाँ पे सर्विस नाउ, एप्पल जो आईफोन है ये भी एप्पल का कंपनी है, अमेजन जो आप मार्केटिंग करते हो, जो शॉपिंग साइट है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो विंडोज आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, जायंट कंपनी जो होते हैं ना उनके स्टॉक्स यहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा ETF है, यहाँ पे आपको तो एक्सपोजर होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सो फ्रेंड्स रिटर्न क्या दिया है, अगर आप रिटर्न की बात देखोगे तो ट्रेड साइड में, ट्रेड व्यू साइड में जाके भी देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं ETMoney वेबसाइट ओपन किया, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है ये 26.91% रिटर्न ये दे रहा है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट 3 साल की डाटा है क्योंकि ये बहुत न्यू ETF है, तो मंथली अगर आप 10,000 भी SIP करते लास्ट 3 ईयर्स में, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3.6 लाख होती, बट टोटल प्रॉफिट होता अगेन डबल से ज्यादा, यानी 95% यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ये आपका एब्सोल्यूट रिटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको US मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो ये फंड ऑफ फंड है, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो ऐसे ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो 5 ETF है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्लानिंग कीजिएगा, प्लानिंग करके कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट कीजिएगा, इसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट आप लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ऐसी ETF में बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड फ्रेंड मार्केट देख रहे हो अभी कितना गिरावट आया, मार्केट में बियर फ्रेज आना स्टार्ट हो गया है, मुझे नहीं पता कि मार्केट और कितना गिरेगा, बट अगर आपको चांस मिल रहा है, सस्ते वैल्यू में चीजों को मिल रहा है, और ऐसे इंडेक्स बेस्ड ETF में इन्वेस्ट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पे अगर आप ETF में पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये था 5 ETF, आई होप कि आप इस ETF के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर आपको डिटेल्स में एनालिसिस चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट बिफोर दैट आप ये वाली ETF वीडियो देख सकते हो, मैंने ये सारे मोमेंटम फैक्टर या फिर वैल्यू फैक्टर के ऊपर कैसे ETF सब काम करते हैं, कैसे ETF अवेलेबल है, ये सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको भी और भी अच्छा आइडिया मिलेगा, बैक टेस्टेड डेटा के साथ भी है, तो आप एक कंप्लीट आइडिया ले सकते हो।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही प्लानिंग करना हो और मेरे साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, आप इसे भी ईमेल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना के देंगे एंड प्रॉपरली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे कम्युनिटी के मेंबर बनोगे और मेरे कम्युनिटी भी ग्रो होगा और मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।